लास्ट टाइम हमने कंप्लीट किया था टाइप्स ऑफ कैपिटल गेन. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैपिटल गेन. लास्ट लेक्चर अगर किसी का मिस आउट भी हुआ है तो स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के लेक्चर में लास्ट टाइम अगर नहीं भी कुछ पढ़ा है तो भी समझ में आ जाएगा. इट डज नॉट मीन कि पहले लेक्चर में जो मैंने पढ़ा है वो आपको याद नहीं करना है. सो स्टार्ट करते, मैंने इसलिए ये अनाउंसमेंट किया कि अगर बाय चांस किसी का लास्ट लेक्चर मिस आउट हुआ है तो टेंशन मत लो, आज जो भी पढ़ा रहा हूं वो पूरा अच्छे से समझेगा. ठीक है ना, लास्ट टाइम हमने टाइप्स ऑफ कैपिटल गेन पढ़ा था. देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैपिटल गेन, सटक जी और लटक जी. सटक जी और लटक जी कैसे डिसाइड करना है हमने वो भी पता कर लिया था. विद इन वन ईयर कुछ असेट्स के लिए रूल था, कुछ असेट्स के लिए विद इन टू ईयर था, कुछ असेट्स के लिए विद इन थ्री ईयर. Within 1 year, securities listed in the stock exchange, units of UTI, equity-oriented fund, and zero coupon bonds. Within 2 year, immovable property, unlisted share, and all other assets. Within 3 year, otherwise net equity. सबसे बड़ा क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में पढ़ते हो तभी ये डाउट था कि सर हम ये डिसाइड क्यों करें कि सटक जी है या लटक जी, उससे हमें क्या फर्क पड़ेगा. आज अभी जब हम अभी आज ये जब सम थ्योरी ये जब आप पढ़ोगे ना तो आपको आइडिया आएगा कि ये क्यों डिसाइड करना जरूरी है कि गेन सटक जी है या लटक जी. सो से फॉर एग्जांपल असेसी ने एक घर खरीदा. Purchased house property in previous year 18-19, cost 50 lakh. और ये घर 19-20 में बेच दिया 60 lakh. 18-19 में खरीदा था 50 लाख में, 19-20 में बेच दिया. सबसे पहला डिसाइड करो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म. दिस इज माय इमूवेबल प्रॉपर्टी. यस इट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, हेंस 2 इयर्स का रूल है. तो सटक जी वेरी गुड. अब आप मुझे बताओ कितने में बेचा है. यहां पर मैंने क्या लिखा है, सेलिंग प्राइस 60 लाख. खरीदा कितने में, 50 लाख. तो बताओ गेन कितना हुआ. गेन कैपिटल गेन कितना, 10 लाख. अब आप लोगों ने ये 10 लाख कैलकुलेट कैसे किया, सिंपल. 60 लाख सेलिंग प्राइस था, उसमें से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दिया. उसी चीज को यहां पर एक प्रॉपर फॉर्मेट में प्रेजेंट करना है. ये जो आप लोगों ने प्रेजेंटेशन ऐसे ओरली कर दिया 60-50, इसी को एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन देना है. प्रॉपर प्रेजेंटेशन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में स्टार्ट करते हुए फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन. कंसीडरेशन मींस समथिंग इन रिटर्न. कंसीडरेशन मींस समथिंग इन रिटर्न. घर बेचकर कितना मिला, 60 लाख. दैट इज योर फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन. इस फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन में से माइनस करेंगे ट्रांसफर एक्सपेंस. ट्रांसफर एक्सपेंस मतलब बेचते वक्त कुछ एक्सपेंस इनकर हुआ क्या. अगर बेचते वक्त कुछ एक्सपेंस इनकर हुआ तो वो माइनस कर दो. इट विल गिव यू नेट कंसीडरेशन. नेट कंसीडरेशन लाइक अभी देखो ना, लोग घर बेचते हैं तो एजेंट के थ्रू बेचते हैं, एजेंट को ब्रोकरेज देते हैं, देन दैट ब्रोकरेज इज अ ट्रांसफर एक्सपेंस. कभी कभी कोई असेट्स बेचकर बेचने के लिए एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है. सो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस इज अ ट्रांसफर एक्सपेंस. और एनी अदर काइंड ऑफ एक्सपेंस जो बेचते वक्त इनकर हुआ है, वो माइनस कर दो. मेरे एग्जांपल में मैंने कुछ एक्सपेंस लिया नहीं तो आपने डायरेक्टली माइनस करने के लिए बोल दिया. देन माइनस फिर जो आएगा उसे बोलेंगे नेट कंसीडरेशन. नेट अमाउंट जो हमारी जेब में आया इसमें से माइनस करो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज नथिंग बट अ परचेज प्राइस. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज नथिंग बट अ परचेज प्राइस. मेरे एग्जाम्पल में घर कितने में खरीदा था, 50 लाख.
सो दैट 50 लाख इज अ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. अब समझो इसी क्वेश्चन में, इसी पर्टिकुलर एग्जांपल में, मान लो मैंने चौल में घर लिया है और गवर्नमेंट से परमिशन लेकर इसमें एक फ्लोर ऐड कर दिया, गवर्नमेंट से परमिशन लेकर इस पे एक फ्लोर ऐड कर दिया, तो जो फ्लोर ऐड हुआ ना, उस फ्लोर को ऐड करने का खर्चा एक कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ ना, समझो वो एक्सपेंडिचर हुआ 2 लाख का, तो अभी भी मेरा गेन 10 लाख है या मेरा गेन 58 लाख का होगा? मेरा गेन अभी भी 60 लाख का मानूंगा या 58 लाख का, सॉरी 8 लाख का गेन, 10 लाख का लूंगा या 8 लाख? तो ये जो 2 लाख खर्चा हुआ ना, 2 लाख, इसे बच्चा कहते हैं कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट. ऐसा कोई भी खर्चा जो कैपिटल नेचर का है, याद करो अकाउंट में आप 2 तरीके के एक्सपेंस पढ़ते हो, रेवेन्यू एक्सपेंस कैपिटल एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंस कैपिटल एक्सपेंस. तो रेवेन्यू एक्सपेंस तो पीएल में जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर असेट्स के कॉस्ट में ऐड होता है. सो दैट कैपिटल एक्सपेंडिचर हियर नोन एज कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट. कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, ऐसा कोई भी खर्चा जिससे मेरे असेट्स की वैल्यू बढ़ गई, सच कॉस्ट इज नोन एज कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट. वो माइनस करेंगे, फिर जो गेन आएगा उसे बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. सिंपल फॉर्मेट, स्टार्ट करेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, दैट इज नथिंग बट अ सेलिंग प्राइस. इसमें से माइनस करेंगे ट्रांसफर एक्सपेंस, दैट इज बेचते वक्त कुछ खर्चा हुआ, इट विल गिव यू नेट कंसीडरेशन, नेट कितना इनकम हुआ, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दैट इज नथिंग बट अ परचेज प्राइस, माइनस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट दैट इज नथिंग बट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. अब ये तो बहुत सिंपल फॉर्मेट है, लेकिन मान लो अब इसी क्वेश्चन में थोड़े से चेंजेस कर देता हूं. मान लो यहां पर जो मैंने एग्जांपल लिया था, ये घर मैंने प्रीवियस ईयर जीरो वन जीरो टू में खरीदा है, रुपीज 5 लाख, 0102 में खरीदा है 5 लाख में, और 1920 में 60 लाख में बेच दिया. 0102 में खरीदा है फॉर रुपीज 5 लाख और इसे 1920 में बेच दिया 60 लाख में, गेन कितना? गेन कितना? 0102 में खरीदा 5 लाख में, 1920 में 60 लाख में बेच दिया. बताओ चैट के थ्रू जल्दी, अब यहां पर सिंस आफ्टर टीवाई वाले बच्चे भी हैं, तो आफ्टर टीवाई वाले बच्चों ने कहीं ना कहीं टीवाई बीकॉम में कैपिटल गेन पढ़ा है, तो उनको थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन वगैरह वर्ड यूज कर रहे हैं. वेरी गुड प्रीतम. यस सर. प्रीतम टीवाई स्टूडेंट? यस सर. टीवाई से स्टूडेंट. ओके करिश्मा. यस सर. टीवाई स्टूडेंट? यस सर. ओके सनी. यस सर. टीवाई स्टूडेंट? यस सर. वेरी गुड. ये चीज वही दोस्त सोच सकते हैं जिन्होंने टीवाई में ऑलरेडी पढ़ा है, उनको मालूम है, लेकिन बाकी लोग जितने 55 लोग बोल रहे हैं ना, वो सब मेरे मासूम अच्छे बच्चे सीपीटी वाले मुझे नजर आ रहे हैं. उन्होंने क्या किया, सिर्फ 60 लाख माइनस 5 लाख कर दिया. बच्चा आप लोग कुछ गलत नहीं कर रहे हो, मैं भी होता ना तो मैं भी ऐसे ही करता, 60 लाख माइनस 5 लाख, बट ऐसा नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? बच्चा आपने ये घर खरीदा था 0102 में और आप ये घर बेच रहे हो 1920 में, आफ्टर 18-19 ईयर्स. फर्क समझो आप लोग, इतने साल में महंगाई कितनी बढ़ गई ड्यू टू इन्फ्लेशन.
ड्यू टू इन्फ्लेशन आपके असेट्स की वैल्यू बढ़ गई, तो जितना इन्फ्लेशन की वजह से असेट्स की वैल्यू बढ़ गई उतने से गवर्नमेंट कहती है आप अपने कॉस्ट को बढ़ा दो। एग्जाम्पल समझो, आराम से समझेगी ये चीज, इंडेक्स वाला पर थोड़ा ध्यान से मैं समझाऊंगा, ध्यान से समझना। एक सेकेंड, हाँ Okay. हर एक प्रॉपर्टी का, हर एक असेट्स का वैल्यू दो रीजन से बढ़ता है। हर एक प्रॉपर्टी का, हर एक असेट्स का वैल्यू दो रीजन से बढ़ता है। रीजन नंबर वन, हर एक असेट्स का वैल्यू दो रीजन से बढ़ता है। रीजन नंबर वन इन्फ्लेशन, रीजन नंबर टू डिमांड। असेट्स की वैल्यू जो डे बाय डे बढ़ती जा रही है ना, वो दो रीजन से बढ़ रही है। पहला इन्फ्लेशन, दूसरा डिमांड। पहला इन्फ्लेशन, दूसरा डिमांड। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, जितना असेट्स का कॉस्ट, जितना असेट्स का वैल्यू इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ रहा है आप उतने से अपने कॉस्ट को बढ़ा दो और फिर उसे सेलिंग प्राइस से कंपेयर करके पता करो गेन हुआ या नहीं हुआ। इन्फ्लेशन तक अगर आप कमा रहे हो तो वो आपके लिए इनकम नहीं है। जितने से इन्फ्लेशन बढ़ा अगर आपने उतने से इनकम कमाया तो वो एक्चुअली आपका इनकम नहीं है, वो तो आप उतना कमा रहे हो सो दैट आप सरवाइव कर सको। इन्फ्लेशन जितना अगर आप कमाओगे नहीं तो आप सरवाइव भी नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मेरी लास्ट ईयर पगार थी 10,000। एग्जाम्पल दे रहा हूं, सिर्फ समझो, लास्ट ईयर मेरी पगार थी 10,000। अब मेरे घर का खर्चा भी एग्जैक्टली 10,000 ही था, तो इनफ्लो था 10,000, आउटफ्लो था 10,000, तो मेरी सेविंग थी जीरो। इनफ्लो 10,000, आउटफ्लो 10,000, सेविंग जीरो। अब मान लो इन्फ्लेशन बढ़ गया 10% से, इन्फ्लेशन बढ़ गया 10% से, तो मेरे घर का आउटफ्लो कितना होगा, आउटफ्लो। सो 10,000 खर्चा होता था, इन्फ्लेशन 10% से बढ़ेगा तो आउटफ्लो 11,000 होगा। लेकिन मान लो मेरी सैलरी बढ़ी 500 रुपए से, अब मैं कमा रहा हूं 10,500, तो मैं घर तो खुशी खुशी आऊंगा, यस मेरी पगार 500 रुपए से बढ़ गई। बट मेरी वाइफ मुझे गाली देगी, बोलेगी नालायक तू तो उतना भी नहीं कमा पा रहा है जितने से महंगाई बढ़ रही है। वो ये खुश नहीं होगी कि 500 से मेरी सैलरी बढ़ गई, वो तो ये सोचेगी कि यार तू इतना भी नहीं कमा पा रहा है जितने से महंगाई बढ़ रही है। मतलब उसको वो जो 500 रुपए का इंक्रीमेंट है ना, उसको वो खुशी नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि आई एम नॉट जनरेटिंग सच इनकम विच इज सफाई फॉर इन्फ्लेशन, मान लो। लेकिन अगर मेरी पगार 11,500 हो गई तो, 11,500 हो गई तो मेरी वाइफ को इनकम वाली फीलिंग कितनी आएगी, सोचकर बताना। मतलब ओवर एंड अबव इन्फ्लेशन कमाया ना, ओवर एंड अबव इन्फ्लेशन, देन दैट विल बी कंसीडर्ड एज योर इनकम। महंगाई जितना कमाया तो क्या कमाया यार, महंगाई से एक्स्ट्रा कमाया तो तुम्हारे लिए इनकम। तो अभी कैसे तुमको ये समझा सर, 10,000 और 11,500 का डिफरेंस मत निकालो, इन्फ्लेशन 11,000 तक है तो उससे एक्स्ट्रा कितना कमाए। एक और एग्जांपल देता हूं, 5 साल पहले वड़ा पाव कितने में मिलता था, वड़ा पाव याद दिला रहा हूं यार तुम लोग को, क्या दिन थे, वड़ा पाव खाते थे, ओ हो, गरम गरम वड़ा पाव, तीखी मिर्ची, ओके। सबने अपना अपना अलग अलग अमाउंट बता दिया। 5 साल पहले मेजॉरिटी हर जगह पर 5 से 6 रुपए में बिकता था, मैं एक स्टैंडर्ड अमाउंट लेता हूँ 5 रुपए, समझो 5 रुपए। अभी रिसेंटली लॉकडाउन के पहले कितने में बिकता था,
अलग अलग जगह का अलग अलग रेट, कहीं पर 12, 15, 10, ठीक है, डिपेंड्स ऑन सब, बराबर। चलो उसको भी एक ऑन ऑन एवरेज 10 रुपए लेते हैं। जो वड़ा पाव 5 साल पहले, जो वड़ा पाव 5 साल पहले 5 रुपए में बिकता था, आज वही वड़ा पाव 10 रुपए में बिक रहा है। पागल, वड़ा पाव वाला क्या प्रॉफिट कमा रहा है रे, एक वड़ा पाव बेचकर 5 रुपए का प्रॉफिट, वाओ। 5 रुपए का वड़ा पाव 10 में बेच रहा है तो 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ क्या? 5 रुपए पहले, 5 साल पहले 5 रुपए का था ना, आज 10 रुपए में बेच रहा है, तो सिंपल 10-5 सिंपल। अरे क्या तुम लोग को सिंपल कैलकुलेशन नहीं आता यार? मटेरियल का भाव बढ़ गया, रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया, आलू का भाव बढ़ गया, पाव का भाव बढ़ गया, बराबर है, मैदे का भाव बढ़ गया, जो मसाले आते हैं उस मसाले का भाव बढ़ गया, मिर्ची जो गरम करते हैं उसका भाव बढ़ गया, तेल का भी भाव बढ़ गया। वेरी गुड, समझ में आ गया कि तुम लोग वड़ा पाव बना सकते हो। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, इन शॉर्ट मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ सर, डिमांड भी तो बढ़ गई। डिमांड की वजह से वड़ा पाव का प्राइस नहीं बढ़ा बच्चा, डिमांड पहले जितनी थी अभी भी उतनी है, डिमांड की वजह से वड़ा पाव का प्राइस नहीं बढ़ा है। वड़ा पाव का प्राइस सिर्फ एक रीजन से बढ़ा है, ड्यू टू इन्फ्लेशन। हाँ, कुछ सिलेक्टेड शॉप्स होंगे जहां का मार्केट रेट सडनली बढ़ गया तो उन्होंने अपना प्राइस बढ़ाया होगा। हाँ, हीरा चटनी का भी प्राइस बढ़ गया। अब समझो, अब मेरे 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 मेन बात पर आ जाओ, मेरे मुद्दे पर आ जाओ। अभी देखो तुम लोगों ने कैसे दिमाग चलाया कि सर सारे रॉ मटेरियल का भी तो प्राइस बढ़ा, आप कैसे कंपेयर कर सकते हो 10-5। मतलब वड़ा पाव वाला अगर पहले 10% मार्जिन कमाता था, 10% मार्जिन कमाता था, तो आज भी उसका मार्जिन 10% ही होगा। एक्सेप्शनल लोग आपको मिलेंगे, देखो कुछ लोग मिलेंगे जो एक्सेप्शनल प्रॉफिट कमा रहे हैं अपने नाम की वजह से, जैसे एमएम का वड़ा पाव, ताजा रसीला एमएम का वड़ा पाव, वो एक्सेप्शनल केस हो गए। कुछ कुछ लोग एक्सेप्शनल प्रॉफिट कमा रहे हैं, बाकी सब लोग उतना ही कमाते हैं एक मार्जिन लेकर 10-15%। तो उनका पहले जो मार्जिन था ना बच्चा लोग, अरे भास रहे तुम लोग, सारे दुकान का नाम मत बताओ। तो पहले जितना मार्जिन था ना बच्चा लोग, वो आज भी उसी मार्जिन से कमा रहे। फर्क क्या हो गया? फर्क क्या हो गया? महंगाई बढ़ी तो उसको अपना सेलिंग प्राइस बढ़ाना पड़ा, महंगाई बढ़ी तो उसको अपना सेलिंग प्राइस बढ़ाना पड़ा। तो तुम अब 10 रुपए को 5 रुपए से कंपेयर नहीं कर सकते, आप 10 रुपए को कंपेयर करोगे आज का कॉस्ट कितना, आज का कॉस्ट कितना, प्रेजेंट कॉस्ट कितना, एंड दैट प्रेजेंट कॉस्ट इज नोन एज इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। दैट प्रेजेंट कॉस्ट इज नोन एज इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो जब अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा ना बच्चा लोग, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो स्टार्ट वैसे ही करेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। मतलब ये घर कितने में बेचा, 60 लाख, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 60 लाख। Minus transfer expense, that is any expense incurred at the time of selling, it will give you net consideration. Minus a cost of acquisition नहीं करना है यहाँ पर, index cost of acquisition करना है। Index cost कैसे आता है सर? तो सुनो इधर, index cost कैसे आता है? Government ने ना हर साल का inflation rate calculate किया, हर साल का inflation rate calculate किया। 0102 में महंगाई 100 थी और आज बढ़ते 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 महंगाई 289 हो चुकी है। हर साल का गवर्नमेंट ने इंडेक्स रेट कैलकुलेट किया, जिसे कहते हैं कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। इन प्रीवियस ईयर 0102, दैट वाज टेकन अ बेस ईयर, तब इंडेक्स 100 था। उसके बाद हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ता गया, 105, 109, 113, 117, ऐसे थोड़ा 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 बढ़ता गया और 289 आ चुका है। मतलब तब कोई प्रोडक्ट, सुना, तब कोई प्रोडक्ट अगर मैंने 100 रुपए में खरीदा था, आज वही प्रोडक्ट अगर मैं बेचूं तो कम से कम 289 में बेचना चाहिए, तो मैं बोलूंगा नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन वो प्रोडक्ट अगर मैंने 300 में बेच दिया तो मैं बोलूंगा 11 रुपए का प्रॉफिट हुआ। वही प्रोडक्ट अगर मैंने 250 में बेच दिया तो मैं बोलूंगा 39 का लॉस हुआ। इस प्राइस से ज्यादा प्राइस में बेचा तो प्रॉफिट, इस प्राइस से कम प्राइस में बेचा तो लॉस। डोंट कंपेयर विद 100, कंपेयर विद रिवाइज इन्फ्लेशन रेट। तो तब तुमने कोई प्रॉपर्टी 5 लाख में खरीदा था, तब 100 का महंगाई था, आज 289, तो आज के इन्फ्लेशन के हिसाब से कॉस्ट कितना होना चाहिए, आज के इन्फ्लेशन के हिसाब से कॉस्ट कितना होना चाहिए बताओ। कैलकुलेट करो जल्दी जल्दी,
14,45,000 So this is my present cost. This is my present cost. तो बच्चा लोग आप लोग ना 60 लाख में से 5 लाख नहीं माइनस करोगे, 60 लाख में से 14,45,000 माइनस करोगे तो पता चलेगा कितना गेन हुआ, समझा? तो अब ये कैसे है 14,45,000 ना, उसका फॉर्मूला देखो, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, बहुत इजी फॉर्मूला है, रटना नहीं है। आपने 5 लाख को 289 से मल्टीप्लाई किया, आपने 5 लाख को 289 से मल्टीप्लाई किया, 5 लाख क्या था, 5 लाख था आपका COA इनटू, इसको 289 से मल्टीप्लाई किया, 289 इज अ इंडेक्स, इंडेक्स नंबर, ये इंडेक्स नंबर कौन से ईयर का है, ईयर ऑफ ट्रांसफर, जिस साल प्रॉपर्टी बेचा, ईयर ऑफ ट्रांसफर, फिर इस 5 लाख इनटू 289 अपॉन क्या किया, 100 अपॉन 100 अपॉन 100, 100 क्या था, वो भी इंडेक्स है, कौन से ईयर का, ईयर ऑफ परचेज, सिंपल फॉर्मूला, COA इनटू इंडेक्स अपॉन इंडेक्स, ऊपर ट्रांसफर नीचे परचेज, ऊपर ट्रांसफर वाला इंडेक्स नीचे परचेज वाला इंडेक्स, ऊपर ट्रांसफर वाला नीचे परचेज वाला। सर ये फॉर्मूला यूज करके अल्टीमेटली क्या फायदा क्या हो रहा है, फायदा यही हो रहा है कि हम जो पुराना कॉस्ट था उसको प्रेजेंट कॉस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, जितने से महंगाई बढ़ गई उतने से हम अपने कॉस्ट को बढ़ा रहे, जितने से महंगाई बढ़ गई उतने से हम अपने कॉस्ट को बढ़ा रहे। सिमिलर टू दैट, मान लो हमने ये इंप्रूवमेंट किया, एक फ्लोर ऐड किया 2 लाख में, तो अब सीधा सीधा 2 लाख माइनस कर दूं क्या, मान लो ये इंप्रूवमेंट हमने किया था 02-03 में, 02-03 में, तो 2 लाख माइनस करूं तो चलेगा क्या, डेफिनेटली नॉट। तब रेती सीमेंट कितना सस्ता था, आज रेती सीमेंट कितना महंगा हो गया, तब वर्कर पूरे दिन काम करके 50 या 100 रुपए पूरे दिन का लेते थे, अब वही वर्कर पूरे दिन काम करके मिनिमम 500 से 1000 रुपए लेते, तो कैसे मैं सीधा 2 लाख माइनस करूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट निकालना पड़ेगा। तब महंगाई 105 थी, अब महंगाई 289 है, तो कितना होना चाहिए प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, कैलकुलेट करो, अमाउंट 5,50,476। तो अब इसका फॉर्मूला देखो, तुम लोगों ने क्या किया, इस 2 लाख को 289 से मल्टीप्लाई किया, 2 लाख क्या था, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, 2 लाख इज माय कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स, इंडेक्स कब का लिया आपने, ईयर ऑफ ट्रांसफर, ईयर ऑफ ट्रांसफर मतलब जिस साल आपने घर बेचा, अपॉन अपॉन ईयर ऑफ, क्या लिखो सोचो चैट के थ्रू बताओ, अपॉन ईयर ऑफ, अपॉन ईयर ऑफ, वेरी गुड, अपॉन ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट, अपॉन ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट। So how to calculate index cost of acquisition? Note number one, COA into index upon index, upper transfer, niche purchase. Index cost of improvement kaise aata hai? COI into index upon index, upper transfer, niche improvement. To isko aise simply yaad rakhna. Index ki wajah se na apna cost badh jata hai. Purane cost ko hum present cost mein convert kar dete hain. To aise yaad rakhna. Index to bahana hai, cost ko badhana hai. Index to bahana hai, कॉस्ट को बढ़ाना है, तब के कॉस्ट को आज के कॉस्ट पे लाना है। इंडेक्स तो बहाना है, कॉस्ट को बढ़ाना है, तब के कॉस्ट को आज के कॉस्ट पे लाना है। इज इट क्लियर? राइट डाउन, पहले बच्चा लोग आप लोग ये लिखोगे, पहले ये चार्ट बनाओगे, ये लिखने के बाद ना ये दोनों नोट कॉपी करोगे,
अगर बच्चा एडिशन 18-19 में होता तो 18-19 का इंडेक्स ले लेते हैं, ओके। तो पहले मैं एक बोर्ड ही देता हूँ जूम करके, बाद में दूसरा बोर्ड देता हूँ, पहले आप ये बोर्ड वाला पूरा कॉपी कर लो। बेटा हाउस प्रॉपर्टी परचेस करते वक्त जितना भी खर्चा होगा ना, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, परचेस, कभी लगा वो? बेचते वक्त लगा या परचेस करते वक्त? सर्वेश, दोनों टाइम का अगर हम लोग कंसीडर करेंगे तो सर देखो, परचेस करते वक्त, जब आप परचेस करते वक्त रजिस्ट्रेशन फीस भरते हो तो वो आपका कॉस्ट है, आपके कॉस्ट में एड होता है वो, दैट इज वन टाइप ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। और बेचते वक्त ये सब आप नहीं भरते हो, बेचते वक्त बायर को पे करना पड़ेगा। ओके सर, अगर आपने पे किया है तो आपके लिए वो ट्रांसफर एक्सपेंस माना जाएगा। टेक्स्टबुक, कैपिटल गेन टॉपिक, क्वेश्चन नंबर वन। कैपिटल गेन टॉपिक का एट प्रेजेंट मेरे पास पीडीएफ फाइल नहीं है, सर्वेश आज पीडीएफ फाइल बनाकर बेटा भेज देना मुझे। ओके सर। चलो क्वेश्चन नंबर वन रीड करो, मैं जो मार्किंग वगैरह बेटा बोलूंगा सब लोग ध्यान से वो मार्किंग करना, पेंसिल भी ले लो हाथ में, टेक्स्ट बुक और पेंसिल, पेन से मार्किंग नहीं करना। टीवाई बीकॉम का पेज नंबर, और दोनों का सेम ही होना चाहिए, पता नहीं, आई डोंट नो। देखो पेज नंबर 24 कोई बता रहा है। चलो डन, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन रीड करो सर्वेश। यस सर। मिस्टर एक्स परचेज्ड अ प्रॉपर्टी ड्यूरिंग 2004 एंड 5 फॉर रुपीस 3 लाख। अंडरलाइन 3 लाख। ही स्पेंट रुपीस 1 लाख। 3 लाख पर अंडरलाइन करो, ऊपर लिखो COA। He spent rupees 1,20,000 on improvement during 2006 and 2007. Underline करो 1,20,000, ऊपर लिखो COI, COI. On 18-6-2019, the property was sold for 24 lakh. Brokerage 1 lakh. Compute the amount of capital gain. 18 June 2019, मतलब previous year 1920 में कितने में बेचा घर? 24 lakh. 24 लाख को बच्चा लोग अंडरलाइन करके लिखो FVOC, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। ब्रोकरेज 1 लाख, अंडरलाइन 1 लाख, ऊपर लिखो ट्रांसफर एक्सपेंस। क्वेश्चन पढ़ते वक्त ही सारी चीजें पहले ही मार्क कर लेंगे, सो दैट हमें क्वेश्चन वापस रीड करना ना पड़े। यस सर। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन। चलो साथ में कंप्यूटेशन करेंगे। लीव वन साइड फॉर थियरी, leave one side for theory. Computation of capital gain. Computation of capital gain. सबसे पहले full value of consideration. Three lakh. No, sorry.
24 lakh. 24 lakh. Full value of consideration. That is nothing but selling price. Selling. Selling price. 24 lakh. Minus. Transfer expense. Transfer expense. Kis naam se hua hai? Brokerage. 1 lakh. Brokerage. So net consideration. 23 lakh. 23 lakh. माइनस पहले डिसाइड करेंगे शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म. शॉर्ट टर्म होगा तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करेंगे, लॉन्ग टर्म होगा तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करेंगे. यस सर. अच्छा लोग क्या है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म है सर. लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्स माइनस होगा. राइट डाउन इंडेक्स COA. इंडेक्स COA कितना है मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन टोटल 1 लाख है ना? हाँ, मेरे लाइन में मैंने अंडरलाइन करके ऊपर लिखने को बोला था सर. कॉस्ट ऑफ असेट्स है 3 लाख. अरे वही है, वही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है. ओके, 3 लाख. सॉरी सर, 3 लाख. इंटू इंडेक्स अपॉन इंडेक्स. ऊपर ट्रांसफर, नीचे परचेज. बच्चा लोग कैपिटल गेन का लास्ट पेज ओपन करो. सबको बोल रहा हूं मैं, कैपिटल गेन का लास्ट पेज ओपन करो. आपको हर साल का इंडेक्स नंबर मिल जाएगा. एग्जाम में भी इंडेक्स नंबर दिया होगा. आपको इंडेक्स नंबर याद करने की जरूरत नहीं है. यस सर, दिया है. लेकिन 2 साल का याद रखना, एक 1920 का दैट इज 289, एक 0102 का 100. इसके अलावा सारे इंडेक्स डेफिनेटली एग्जाम में दिए ही होंगे. ओके सर. तो ऊपर ट्रांसफर का लिखना है. हमने बेचा 1920 में. 1920 yes. में इंडेक्स कितना है? 289. अपॉन, देखो परचेस कभी किया था सर? 2001. सॉरी, 4 and 5 में. 4 and 5. चलो 4 5 का इंडेक्स देखो सब लोग. बच्चा लोग 113. 113. 3 lakh into 289 upon 113. 3 lakh into 289 upon 113. 7,67,257. Similar to that, minus index cost of improvement. 6-7 में क्या किया था सर? Amount of 1,20,000. 1,20,000. Into index upon index. Upar transfer, niche improvement. Transfer 289 divided by 117. Sorry, 122. 1,20,000 to 289 upon 122. 2,84,262. 84,262. Twelve lakh 481. Twelve lakh
48,481. कोई डाउट इसमें किसी को कैलकुलेशन में? चलो अब एक क्वेश्चन ना मैं डिक्टेट कर रहा हूं, वो आप सॉल्व करेंगे, जिसमें मैं आपकी मदद नहीं करूंगा। राइट डाउन क्वेश्चन। मिस्टर ए परचेज्ड, Mr. A purchased house property in previous year 0607. In previous year 0607 for rupees 4,50,000, 4,50,000 ब्रैकेट में ब्रोकरेज $10,000 ब्रैकेट क्लोज। ही इनकर्ड फॉलोइंग कॉस्ट ऑन इंप्रूवमेंट। He incurred following cost on improvement. Next line mein first, in previous year 12-13, in previous year 12-13, rupees 50,000, 50,000. In previous year 18-19, in previous year 18-19, rupees 5 lakh. Next slide. The property was sold. In previous year 1920, एक सेकेंड ना मनीषा, क्या डाउट है? 12-13 क्या क्वेश्चन मार्क? ओके चलो 50,000 अमाउंट लिख दिया है बच्चों ने, देख लो, लिख लो 50,000। हाँ मैं कहा था इन प्रीवियस ईयर 1920 प्रीवियस ईयर 1920 में सोल्ड गया है। हाँ सोल्ड फॉर रुपीज 75 लाख, सोल्ड फॉर रुपीज 75 लाख, ब्रैकेट में ब्रोकरेज 1%, ब्रैकेट क्लोज। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन। चलो क्वेश्चन रीड करते हैं, पेंसिल से मार्किंग करेंगे।
मिस्टर ए परचेज अ हाउस प्रॉपर्टी इन प्रीवियस ईयर, क्या लिखा था? 6-7 कितने में? 4,50,000 अंडरलाइन करो बच्चा लोग, 4,50,000 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, लिखो COA कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, COA। फिर आगे क्या दिया है? ब्रोकरेज 10,000। चलो चैट करके सब लोग बताओ मुझे चैट में क्या करूं इसका, चैट के थ्रू फटाफट। सर ट्रांसफर एक्सपेंस, ट्रांसफर एक्सपेंसिव इग्नोर, लेस के रहे। वेरी गुड, दिस शुड बी एडेड टू कॉस्ट। भेजते वक्त जो खर्चा होता है उसे ट्रांसफर एक्सपेंस कहते हैं बेटा, ये COA में एड हो जाएगा। तो 4,50,000 प्लस 10,000 460, मतलब खर्चे भी दो तरीके के होंगे, या तो परचेस करते वक्त हुआ होगा या तो बेचते वक्त हुआ होगा। परचेस करते वक्त हुआ है, परचेस करते वक्त हुआ है तो उसे COA में ऐड कर देंगे, बेचते वक्त हुआ है तो उसे ट्रांसफर एक्सपेंस कंसीडर करेंगे। सो डू वन थिंग, जहां पर आप लोगों ने एक साइड ब्लैंक रखा है ना, एक साइड ब्लैंक रखा है वहां पर लिखो नोट नंबर 3, नोट नंबर 3। नोट नंबर 3 एक्सपेंसेस, अंडरलाइन, इसमें नेक्स्ट लाइन में लिखना एक्सपेंसेस इनकर्ड, एक्सपेंसेस इनकर्ड एट द टाइम ऑफ परचेज, एक्सपेंसेस इनकर्ड एट द टाइम ऑफ परचेज should be red pen, added normal pen say to cost of assets, added to cost of assets, kahan se repeat karna hai? थियरी में बेटा नोट नंबर 3 लिखो, थियरी में नोट नंबर 3 उसका हेडिंग दो एक्सपेंसेस, उसमें लिखो अंडरलाइन करके नेक्स्ट लाइन में एक्सपेंसेस इनकर्ड एट द टाइम ऑफ परचेज शुड बी added to cost of assets, should be added to cost of assets. Next line mein likhna bachcha log, expenses incurred at the time of transfer, expenses incurred at the time of transfer will be treated as transfer expense, will be treated as transfer expense. Purchase करते वक्त होगा तो वो cost में add कर देना, बेचते वक्त होगा तो वो transfer expense. तो 10,000 इस question में हम क्या करेंगे, add कर देंगे, तो मेरा COA हो जाएगा 460, तो मैं index 460 into upon index दूंगा ऐसा। चलो आगे बढ़ो, question read करो। He incurred following cost on improvement. In previous year 12-13, 50,000. In previous year 18-19, 5,00,000. तो क्या करें हम, ये दोनों improvement के amount को add कर दे, सीधा 5,50,000 का ही improvement का deduction दे दे? No sir. 5,50,000 into index upon index, सबको पूछ रहा हूँ, chat के through बताओ। नहीं। इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेंगे, दो अलग अलग ईयर का दो अलग अलग इंडेक्स नंबर है। वेरी गुड, तो जैसे मैंने यहाँ पर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट एक बार माइनस किया है ना,
आप दो बार अलग अलग माइनस करना, चलो ठीक है। नेक्स्ट, द प्रॉपर्टी वॉज सोल्ड इन प्रीवियस ईयर 1924 रुपीज 75 लाख, ब्रोकरेज अंडरलाइन कर दो 75 लाख लिख के, 75 लाख को अंडरलाइन करके ऊपर लिख दो FVOC, ब्रोकरेज 1%, ट्रांसफर एक्सपेंस। चलो सब लोग सॉल्व करो फटाफट। गवर्नमेंट ने कैलकुलेशन पहली बार 0102 में किया था, तो यहां पर अपॉन क्या लू, बाकी सब रिप्लाई करो, मैं वेट कर रहा हूं। एक्सेप्ट टीवा स्टूडेंट, तो यहां पर 100 लेंगे, ऐसा सब लोग बोल रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। क्वेश्चन अराइज, सर 0102 के पहले का तो इंडेक्स दिया ही नहीं है, और 0102 के पहले का इंडेक्स नहीं दिया है तो फिर हम इंडेक्स क्या ले, क्या ले वो एक दूसरी बात है, बट 100 नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, गलत क्यों है पहले वो समझो, फिर क्या करना है वो सीखेंगे। आप मुझे बताओ 0102 में महंगाई था 100, 0102 में कितना हो गया, 0102 में 100 था, 0203 में कितना हो गया 105, फिर नेक्स्ट ईयर देखो 109, फिर देखो 113, मतलब हर साल महंगाई बढ़ता जा रहा है। कभी भी तुम देख लो, सारे इन्फ्लेशन रेट्स देख लो, तुमको कभी ऐसा नहीं मिलेगा कि दो साल का इन्फ्लेशन रेट सेम हो, कभी नहीं मिलेगा। एक बार देख लो इंडेक्स सारे इसका देख लो, अब अगर सारा इंडेक्स हर साल का अलग अलग है, तो अगर मैं यहां पर 100 लू, इसका मतलब अजम्पशन देखो क्या हो रहा है बच्चा लोग, 94-95 से 1920 तक, बिटवीन दीज इयर्स, सॉरी 94-95 से 0102 जब तक तुमने 100 इंडेक्स लिया, बिटवीन दीज ईयर महंगाई बढ़ी नहीं, ये हमारा अजम्पशन है। 94-95 में भी इन्फ्लेशन 100, 0102 में भी 100, मतलब लगातार 6 साल तक महंगाई कॉन्स्टेंट थी, ये assumption valid assumption है, definitely not, hence we cannot take 100। मैं repeat कर रहा हूं, कितना लेंगे वो बात की बात है, 100 क्यों नहीं लेंगे आपके दिमाग में वो जाना चाहिए, क्यों नहीं लेंगे वो समझा पहले, सब लोग reply करो। चलो अब क्वेश्चन अराइज, 100 नहीं लेंगे तो कितना लेंगे, तो अब देखो यहां पर ना इंडेक्स ले ही नहीं पाएंगे अपॉन, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 94-95 का इंडेक्स तो है नहीं, तो मैं 94-95 का इंडेक्स नहीं ले सकता। तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट हमें ऑप्शन देती है, गवर्नमेंट असेसी को कहती है एक काम करो, पता करो इस घर का फेयर मार्केट वैल्यू कितना है, What is the fair market value? As on 1401. पता करो ये घर का मार्केट वैल्यू कितना है। तो असेसी ने पता किया कि इस घर का फेयर मार्केट वैल्यू 1401 को 3 लाख है। तो गवर्नमेंट कहती इन दिस केस यहां पर आप 1 लाख मत लो, 3 लाख ले लो। सिंस 1401 इज अ बेस ईयर, 0102 वाला ईयर है, तो गवर्नमेंट कह रही पता करो इस घर का मार्केट वैल्यू 1401 को कितना है, जितना इस घर का फेयर मार्केट वैल्यू, अब वो तुम्हारा COA बन जाएगा। नाउ दैट 3 लाख इनटू 289, नाउ यू टेक अपॉन 100, नाउ यू कैन टेक 100, नाउ व्हाई यू कैन टेक 100, बिकॉज़ यू हैव टेकन फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 1401, एंड वंस यू हैव टेकन फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 1401, इट मींस 94-95 से लेकर आज तक जितना असेट्स की वैल्यू बढ़नी थी वो इसके अंदर आ चुकी, इन्फ्लेशन का इंपैक्ट इसमें आ चुका है, हेंस नाउ 3 लाख इनटू 289 अपॉन 100।
कोई डाउट है पूछो पहले यहां तक। इट मीन्स अगर कोई भी असेट्स हमने 1401 से पहले खरीदा है, अगर हमने कोई भी असेट्स 1401 से पहले खरीदा है, देन COA विल बी कॉस्ट ऑफ असेट्स कंपेयर्ड विथ फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1401 विच एवर इज हायर। ये हायर वाला रूल कब अप्लाई करोगे? दो सम अभी हमने किया उसमें तो ये रूल अप्लाई नहीं किया, उसमें हमने ये रूल अप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि असेट्स एक्वायर्ड हुआ था आफ्टर 1401। ये रूल तब अप्लाई करना एग्जाम में इफ द असेट्स हैज बीन एक्वायर्ड बिफोर 1401। राइट डाउन नोट नंबर फोर थियरी में जहां पर हमने एक साइड ब्लैंक रखा था ना वहां पर नोट नंबर फोर। इस नोट नंबर फोर का हेडिंग देना assets acquired before 1401 underline underline करके लिखना। If assets acquired before 1401, then next line में ये copy कर लो ऐसा लिख। सर एक बार सेंटेंस रिपीट करो ना। क्या हेडिंग रिपीट करना है? नहीं नहीं सर सेंटेंस जो लिखा है ना नीचे इफ असेट्स एक्वायर्ड बिफोर 1401 देन ऐसा करने के बाद नेक्स्ट लाइन में ये लिख। ठीक है अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। समझो ये घर हमने 94-95 में खरीदा था, उसके बाद इस घर पर हमने कुछ इंप्रूवमेंट किया, समझो ऐसा कुछ इंप्रूवमेंट किया, और ये इंप्रूवमेंट करने का ये ऐसा समझो ना एक फ्लोर ऐड किया यार सिंपल, ये एक फ्लोर ऐड करने का खर्चा 20,000 हुआ इन प्रीवियस ईयर 96-97। एक फ्लोर ऐड करने का खर्चा हुआ प्रीवियस ईयर 96-97 में 20,000 का। अब यहां पर माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का फॉर्मूला COI इंटू इंडेक्स अपॉन इंडेक्स, ऊपर ट्रांसफर नीचे परचेज,
ऊपर ट्रांसफर नीचे इंप्रूवमेंट, तो अपॉन क्या लू 289 अपॉन व्हाट, क्या करूं सोचो, पता करेंगे क्या, पता करेंगे चौहान, 01 में मार्केट प्राइस कितना है, ओके बाकी सब अपार्ट फ्रॉम चौहान और किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा है, ओके सेम मतलब जो चौहान बोलना चाहता है भाई, ओके बाकी सब कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को इग्नोर कर देंगे, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को इग्नोर कर देंगे, क्यों इग्नोर कर देंगे, क्यों इग्नोर कर देंगे, समझो इधर, आपने जब फेयर मार्केट वैल्यू 1401 का लिया होगा, आपने जब फेयर मार्केट वैल्यू 1401 का लिया होगा, सोच कर बताना फेयर मार्केट वैल्यू सिर्फ ग्राउंड फ्लोर का लिया होगा या पूरे घर का लिया होगा, ग्राउंड फ्लोर का लिया होगा या पूरे घर का, डेफिनेटली पूरे घर का लिया होगा, और पूरे घर का लिया मतलब इस इंप्रूवमेंट की वजह से मार्केट वैल्यू घर का बढ़ गया होगा, इस इंप्रूवमेंट की वजह से घर का मार्केट वैल्यू बढ़ गया होगा, और वो बढ़ी हुई वैल्यू आपने इधर ली, मतलब इनडायरेक्टली इंप्रूवमेंट का बेनिफिट आपको मिल चुका है, इंप्रूवमेंट से जुड़ा हुआ आपने डिडक्शन ले लिया है, और जब एक बार इंप्रूवमेंट का डिडक्शन ऑलरेडी मिल चुका है तो वापस क्यों बेनिफिट दे, hence improvement before 1401 should be ignored, improvement before 1401 should be ignored, तो समझो एक बार और इंप्रूवमेंट हुआ, मान लो एक और फ्लोर बनाया, बिल्डिंग नहीं बना रहे ऐसा समझो, एक फ्लोर और ऐड किया और वो फ्लोर ऐड करने में 100,000 रुपए खर्च हुआ इन प्रीवियस ईयर 4-5, उसका डिडक्शन मिलेगा या नहीं, उसका डिडक्शन मिलेगा या नहीं, उसका मिलेगा क्योंकि वो फेयर मार्केट वैल्यू के अंदर इंक्लूड नहीं था, हम वही इंप्रूवमेंट इग्नोर करेंगे जो 1401 के पहले का है, गुड चलो राइट डाउन नोट नंबर 5, नोट नंबर 5, नोट नंबर 5, नोट नंबर 5 का हेडिंग कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट बिफोर 1401, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट बिफोर 1401, अंडरलाइन करके नेक्स्ट लाइन में लिखना, एनी कॉस्ट इनकर्ड ऑन इंप्रूवमेंट ऑफ असेट्स, एनी कॉस्ट इनकर्ड ऑन इंप्रूवमेंट ऑफ असेट्स बिफोर 1401, बिफोर 1401 should be रेड पेन से लिखना ignored full stop, textbook का question number two चलो रीड करो सर्वेश, कौन सा सर, क्वेश्चन नंबर 2 टेक्स्ट बुक का, हर्ष
रीड करना सर, अनम्यूट कर बेटा। हाँ सर। कितने साल पुराने टीवाई बीकॉम के स्टूडेंट हो आप? हम लोग लास्ट ईयर ही। तो लास्ट ईयर 81 थोड़ी ना पढ़ा होगा तुम लोगों ने? हम लोग को सेकंड ईयर में था टेक। अच्छा, तो एसवाई बैफ स्टूडेंट। हाँ, तभी था हम लोग को। ओके ओके, सुनो अभी क्या हुआ, दो साल पहले से हाँ। ये जो इंडेक्स का रेट है ये रिवाइज किया गया है। अब 1981 को हटाकर 0102 को बेस ईयर लिया गया है। अगर आपको याद हो तो 1024 था जब आपने लास्ट टाइम पढ़ा होगा। 1024 हाँ, 1156 था, ऐसा कुछ तो था। 1024 था, उसके बाद से गवर्नमेंट ने वो बंद कर दिया। अब रिवाइज्ड इन्फ्लेशन रेट बनाए गए हैं जो स्टार्ट होते हैं 0102 से। तो ये जो रूल मैंने 0102 के पहले का बोला, पहले ऐसे बोलते थे 1481 के पहले अगर किसी ने खरीदा, किसी ने इम्प्रूवमेंट किया तो उसे इग्नोर करते हैं। इज इट क्लियर हर्ष? हाँ यस सर, पूरा रिवाइज हो चुका है, डोंट वरी। चलो रीड करो भाई सर्वेश। यस सर। मिस्टर एक्स परचेज अ हाउस प्रॉपर्टी ड्यूरिंग 1993-94 फॉर रुपीज 20,000। सब लोग 96-97 ऑप्शन मतलब कॉस्ट कंपेयर विद फेयर मार्केट वैल्यू, व्हिच एवर इज हायर, ऐसा ऑप्शन माइंड में आना चाहिए। हाँ, कब खरीदा, क्या बोल रहे सर्वेश? सर 93-94 है। ओके, 93-94 को अंडरलाइन करके ऊपर लिख दो ऑप्शन। फॉर रुपीज 20,000 ऐसा डेट देखना जिसमें 1401 से पहला है, तो आपके माइंड में इमीडिएटली ऑप्शन आना चाहिए, कॉस्ट कंपेयर्ड विद फेयर मार्केट वैल्यू व्हिचएवर इज हायर। फॉर रुपीज 20,000 फेयर मार्केट, अंडरलाइन 20,000, बच्चा लोग ऊपर लिखो कॉस्ट, 20,000 के ऊपर लिखो कॉस्ट। आगे बढ़ो, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001 इज रुपीज 1,10,000। सो 20,000 और 1,10,000 व्हिचएवर इज हायर, सो माय COA विल बी 1,10,000। यस सर। ही स्पेंट फॉलोइंग अमाउंट ऑन इंप्रूवमेंट रुपीज 40,000 ड्यूरिंग 1995-96 अंडरलाइन 95-96 लिखो इग्नोर, इग्नोर। रुपीज 1,00,000 ड्यूरिंग 2006-2007 तो इसका इंप्रूवमेंट का डिडक्शन मिलेगा। नेक्स्ट, ऑन 5th July 2019 द हाउस वॉज सोल्ड फॉर रुपीज 17,50,000 FVOC, underline 17,50,000, लिखो FVOC। Brokerage rupees 25,000। Transfer expense। Compute the amount of capital gain। चलो computation करो, तुम्हारा COA compare कर लिया हमने, 20,000 और 1,10,000 whichever is higher, so 1,10,000 into index upon index लोगे, वो comparison यहाँ पर दिखा देना, जब index solve करना, ऐसे यहाँ पर लिखना 20 और 1,10,000 whichever is higher, so higher amount 1,10,000 फिर उसको इनटू इंडेक्स अपॉन इंडेक्स करना, सॉल्व करो। चलो सॉल्व करो फटाफट। फाइनल आंसर इज 11,70,250। 11,70,250 कुछ डाउट? नो सर। ओके चलो, देन बाय बाय, सी यू टुमारो, नो लेक्चर, डे आफ्टर टुमारो मैं टाइमिंग आपको सर से कंफर्म करके बता दूंगा। कल क्या है, फ्राइडे ना, तो कल लेक्चर नहीं है, और सैटरडे का टाइमिंग मोस्टली सुबह का ही मेरे पास टाइम है, सर से बात करके मैं बताता हूँ, या दोपहर को यही टाइम। चलो बाय बाय। बाय सर। बाय बाय बाय।